राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, रक्षाबंधन की तैयारियों में बिजी होंगे। बहुत दिन से मेरे मन में एक बात थी, था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आज बड़ी हिम्मत करके मैं आपके सामने बैठी हुई हूं। मैं एक अपने अनकंडीशनल लव के बारे में आपसे बात करूंगी, वो है अम्मा अप्पा का। और हमारा अम्मा अप्पा का रिश्ता जो हमारी फैमिली के साथ है, वो अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल लव है। अम्मा मेरे बच्चों का जो रिश्ता था वो अनकंडीशनल लव था। खून के रिश्ते होते हैं, उसमें बड़ी उम्मीदें होती हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। मैंने उसके लिए ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मैंने ये किया, फलाना ढिकाना, सबके साथ होता है, बहुत होता है। बट अम्मा अप्पा का रिश्ता ऐसा नहीं था, और उनका रिश्ता 20 साल पुराना है। किट्टू मतलब जब मेरी शादी हो के हुई थी तब से, बट वो रिश्ता तब जब मेरी शादी हो के आई थी तो सिर्फ हाई हेलो होती थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। और वो अम्मा अप्पा हमारे नेबर थे, कोई कल्चर हमारी सेम नहीं थी। हम वो साउथ इंडियन थे, हम नॉर्थ इंडियन, हम दोनों की कल्चर डिफरेंट थी, अपब्रिंगिंग अलग थी हम लोगों की ना। बट फिर भी कहते प्यार की कोई भाषा नहीं होती। ये रिश्ता गहरा तब हुआ जब किट्टू हुई। किट्टू अब मार्च में ना, मतलब किट्टू अभी 19 साल की है, अभी 20 की हो जाएगी, तो ये 19 साल पुराना रिश्ता है। कहते ट्रस्ट एक प्रोसेस होता है, वो एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे करके होता है। जब किट्टू हुई तो जब 1 महीने के बाद जैसे हम वॉक, बिल्कुल आंटी का घर बिल्कुल नियर बाई था, ऐसे मैं मेरा बिल्कुल सामने घर था उनका, 2 घर छोड़ के, कि मेरे घर से वो पूरा दिखता था। तो शाम को कभी ऐसे वॉक कर आ रही, बच्चा तंग कर रहा है, तो ऐसे बोला देना मुझे दो, मैंने ऐसे ही दिया उनको। और वो बहुत प्यार से उनकी गोद में खेली, फिर फर्स्ट डे दिया, सेकेंड डे दिया, थर्ड डे दिया, तो मुझे भी बड़ा रिलीफ मिलने लग गया था कि बच्चे के साथ बड़ी थकान हो जाती है। और उस टाइम घर पे कोई हेल्प ही नहीं होती थी कि कोई बच्चे के लिए कोई हेल्प कर दे, ले ले या कुछ कर लेना। मैं भी बहुत छोटी थी, तो ऐसे ऐसे धीरे 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 करके वो रिश्ता इतना क्लोज होता गया हमारा ना। वो फिर रोज रखते थे, जब वो रखते थे मैं अपना काम खत्म करके आती थी, और किट्टू भी बिल्कुल तंग नहीं करती थी, और जस्ट फीड करा दिया। देन फिर वो धीरे धीरे करके उन्होंने नहलाना भी स्टार्ट कर दिया कि चलो तुम बिजी हो, मैं नहला दूं। मैं कहा हाँ हाँ आप नहला दो, तो नहलाने भी लग गई। जो छोटे छोटे बच्चों के सारे काम होते, सूसु पट्टी, जो भी बच्चों के काम होते, वो सब कर देती थी सब ना। और वो प्यार से करती थी, इतने प्यार से करती थी। और किट्टू बहुत अटैच हो गई थी उनके ना, अम्मा अप्पा के। अप्पा ऑफिस जाने से पहले उसको इतना खिला के जाते थे, उसको बहुत खेलते थे उसके साथ ना। उनके बच्चे थोड़े बड़े थे, 2 बेटे हैं आंटी के ना, शायद एक 10th में था उस टाइम, एक शायद 8th में था, एग्जैक्टली मुझे ऐसे याद नहीं है। वो भी दोनों बहुत प्यार करते थे किट्टू को। धीरे धीरे किट्टू बड़ी होती गई, वो रिश्ता और गहरा होता गया। हर की लाइफ में अच्छा अच्छा टाइम नहीं रहता, मेरी भी लाइफ में नहीं था अच्छा टाइम, सबकी लाइफ में होता, उतार चढ़ाव जिंदगी में लगे रहते हैं। बट उन्होंने उस टाइम मेरी बहुत हेल्प की थी। हेल्प पैसों से ही नहीं होती है, कि पैसे से हेल्प करना ही हेल्प होती है। हमारे बीच में कभी भी 20 सालों की रिश्तों में कभी भी पैसों का कोई लेन देन नहीं हुआ, कभी भी, नेवर एवर। बट मेंटली बहुत सपोर्ट था मुझे, मेंटली मुझे ऐसे लगता था कि कोई है मेरे सिर पे, कोई है जो मेरे माँ बाप के जैसा है, मेरे मम्मी पापा, मुझे ऐसे फील होता था कोई है मेरे सिर पे ना। जो को घुमाना, सब कुछ करना, खाना खिलाना, सब कुछ वो हाथों से खिलाती थी। और इतने पंक्चुअल थे, क्योंकि हम देखो कोई मेल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कल्चर डिफरेंट, स्टेट डिफरेंट, कास्ट डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट था। बट हमारा उनका सिर्फ प्यार का रिश्ता था, जिसमें कोई उम्मीदें नहीं थी, सिर्फ प्यार का रिश्ता। और पर्व हुआ टाइमिंग, और पर्व को भी उन्होंने उतना ही प्यार दिया। मतलब ये था कि चलो पहले को तो दिया ही दिया, पर्व को भी उतना ही प्यार दिया। वो 7.5 साल का गैप था, फिर उनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए, ओहो पर्व तो और ही लाडला हो गया उनके लिए ना, बहुत ज्यादा, बहुत लाडला। टाइम निकलता गया, फिर सोचा हमने ना कि
वहाँ से ना मूव कर जाते हैं, वहाँ भी अपना ही घर था, कि लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपना बड़ा घर लेते हैं, वहाँ छोटा घर था। हम लोग अभी 7 साल हुए नहीं हमें इस वाले घर में ना, तो वो इतना टफ टाइम था उस टाइम पे ना, वहाँ उस घर को छोड़ना अम्मा अप्पा के लिए भी बहुत टफ टाइम था, इतना डिफिकल्ट टाइम था, बच्चे बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर पाए थे यहाँ पे ना। पल्व की जो स्कूल की बस थी, अप्पा वहीं पहले यहाँ नहीं आती थी, बस अप्पा पहले उसको वहीं बुलाते थे, वहीं लेने जाते थे खुद, फिर हम यहाँ से शाम को लेने जाते थे उसको ना, क्योंकि ऑल ऑफ सडन इतना सारा चेंजेस था। कुछ टाइम तक लंच भी अम्मा वहीं से भेजती थी, बच्चों का लंच डिनर भी ना, तो क्योंकि प्रदीप का ऑफिस वहीं था तो प्रदीप के हाथ भेजती थी। फिर हर फ्राइडे सैटरडे संडे फ्राइडे नाइट को अम्मा आती थी, बच्चों के साथ रहती थी। धीरे 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 करके टाइम निकालो, उसके 2-3 साल के बाद अम्मा ने भी वो घर सेल कर दिया अपना ना, और अम्मा सोसाइटी में शिफ्ट हो गई। अभी अम्मा को शायद मुझे नहीं लगता उस वाले घर में 4 साल भी हुए होंगे ना। वो हर दिवाली पे हमारे साथ आती, हर दिवाली राखी मैंने उनके साथ मनाई है। हर सुख दुख मैंने उनके साथ बांटा है। मेरे बच्चों को इतना प्यार शायद मैं बता नहीं सकती, कितना प्यार किया उन्होंने। कभी हमें कितना भी अर्जेंट काम से निकलना पड़ा तो मेरे सब रिलेटिव यहीं रहते हैं, पर मैं बच्चों को कहीं नहीं भेजती थी, बच्चे कहीं नहीं जाते थे, बच्चे सिर्फ अम्मा अप्पा के घर जाते थे। अम्मा फोन करती थी, छोड़ दो मेरे पास ना, आपने देखा हो लास्ट ईयर प्रदीप की तबीयत खराब हुई थी, तो भी रात को 10-11 बजे बच्चे ना ड्राइवर बुला के मैंने अम्मा के घर ही भेजा था, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे वहीं बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत खाते हैं पीते हैं, इतना एंजॉय करते हैं। पर तो समर वेकेशन में कहीं नहीं गया आज तक किसी रिलेटिव के घर ना, एक आध दिन के लिए चला गया, वो सिर्फ अम्मा के घर जाता था, अम्मा पापा के। अभी 1 ईयर से थोड़ी तबीयत खराब थी अम्मा की ना, लेकिन पता नहीं था यार ऐसे ये सब कुछ हो जाएगा। अब मुझे बहुत रिग्रेट भी हो रहा है इस चीज का कि थोड़ा 3-4-5 महीने ना पर्व के साथ मैं बहुत बिजी हो गई थी, बहुत ज्यादा ना, तो मुझे बहुत फील होता है कि मुझे उनके साथ होना चाहिए। थोड़ा वो परेशान सी भी रहने लगी थी, बोलती थी मेरा यहाँ मन नहीं लगता, वो बोलती थी मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे। मैं बोलती थी अम्मा आप मेरे पास आ जाओ, यहीं रहो हमारे साथ में, तो तू बहुत बिजी रहती है ना पर्व के साथ, तो मैं क्या करूंगी। बीच बीच में बच्चे हम सब चले जाते थे मिलने के लिए, कि 3-4 मंथ से ना मेरा इतना बिजी शेड्यूल था ना, बहुत टाइट था। अब बहुत फील हो रहा है मुझे कि मुझे टाइम निकालना चाहिए था, और मैं संडे मिलने भी गई हूँ उनसे ना, और सोचो वेंसडे वो एडमिट होगी, फ्राइडे चली गई है। उनका बहुत मन था बच्चों से मिलने का, तो मैं लेके गई थी उनको मिलाने के लिए ना, बट ये नहीं पता था कि 3-4 डेज के बाद ही वो नहीं रहेंगी। अम्मा की सिस्टर बड़ी सिस्टर है, मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा, फोन पे बहुत बार बात की थी उनसे ना, बट मिली फर्स्ट टाइम थी उनसे ना, वो बिल्कुल अम्मा जैसी है, बिल्कुल डिक्टो अम्मा जैसी। वो मेरे पास आ गई है क्योंकि वहां वो अकेला बहुत फील कर रही थी, हर एक एक चीज उनकी अम्मा से मिलती है। अभी तो थोड़ा उनकी कमी फुलफिल सी लग रही है, मैंने कहा मैं उनको बोलती आप मत जाओ। आप सोचो बच्चों के लिए हम हंस रहे हैं बोल रहे हैं बात भी करते हैं, लेकिन अब शाम होते होते ना एक अजीब सा खालीपन हो जाता है,
शाम होते होते ना सफोकेशन से शुरू हो जाती है। हम और अम्मा खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कई बार टेबल पे बैठे बैठे रोने लग जाते हैं बच्चे ना। टाइम लगेगा सब कुछ ना, एकदम अचानक ऐसा हो गया। तो मैं वही बोलना चाह रही थी आपसे कि जो प्यार के रिश्ते होते हैं ना वो खून के रिश्ते से भी बड़े होते हैं। मेरा तो मेरा क्या, हमारा और अम्मा का रिश्ता ऐसा ही था। पता नहीं, कहते पूर्व जन्म का कुछ है तभी हम इस जन्म में मिले, वरना इतने नेबर्स होते हैं, इतने सब कुछ होते हैं, इतना प्यार नहीं रहता। अगर देखा जाए तो नेबर ही थे मेरे ना, बट वो अपनों से ज्यादा हो गए मेरे लिए ना, बहुत ज्यादा। इतना ही बताना था, बहुत कुछ है उनके बारे में बोलने के लिए, बहुत कुछ। जितना बोलो उतना कम, जितनी उनकी तारीफ करो उतनी कम। इतनी स्वीट लेडी ना, मैंने कभी उनकी तेज आवाज नहीं सुनी, नेवर एवर हाई वॉल्यूम नहीं सुना। वो इतनी सॉफ्ट स्पोकन थी, इतनी केयरिंग, इतना मुझे समझाती थी बच्चों को डांटना नहीं है, मेरे बच्चों को तुमने ऐसा। और बच्चे ऐसे कंप्लेन करते थे समटाइम, मम्मा ने ऐसे किया, मम्मा ने वैसा किया। मैं कहा अम्मा ये झूठ बोल रहे हैं आपसे ना, तो कहते फिर पर बोलता था मुझे अच्छा लगता है आपको डांट पड़वाना ना। बस इतना ही बताना था, यही बोलना था, प्यार के रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, अनकंडीशनल लव। थैंक यू दोस्तों।